हे गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोर डी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए पांच ऐसे मस्त जी फाड़ एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड ये सभी पांचों के पांचों एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो आपके फोन में जरूर से इंस्टॉल होनी ही चाहिए। एंड लास्ट में है एक एक्स्ट्रा बोनस एप्लीकेशन जो कि काफी जो है गजब का एप्लीकेशन है। सो उस एप्लीकेशन के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि उस बोनस एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा। एंड गाइस, गला जो है थोड़ा सा खराब है क्योंकि सर्दियों का जो है मौसम चल रहा है एंड थोड़े दिनों से जो मेरी तबीयत भी जो है नासाज चल रही है, तो मेरी वॉइस में जो आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है लग सकता है। बट आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है जो मुझे जो मोटिवेट करता है, शक्ति देता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे जो वीडियोस बना सकूं। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक एंड शेयर जो जरूर से कर ही देना। तो बहुत हो गई बातें, आते हैं मेन टॉपिक पे, करते हैं वीडियो को शुरू। सो लेट्स एक्सप्लोर इट। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे जो एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो मेरे चैनल पे, तो जोर से जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे दबा दीजिए। एंड बगल में एक घंटा बंद करके उसे भी जोर से दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो चलिए वीडियो जो स्टार्ट करते हैं। सो लिस्ट का हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है टेलीपोर्ट बैकग्राउंड चेंजर। सो इस एप्लीकेशन का यूज करके जो आप अपने पिक्चर्स होते हैं उसके जो बैकग्राउंड होते हैं उसे जो हटा सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से पेड़ पौधे कुछ भी जो है लगा सकते हो। तो इसे आपको ओपन करते हुए जो है कैमरा ओपन हो जाएगा, तो आप जो एक फोटो जो है क्लिक भी कर सकते हो या फिर गैलरी से जो है सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो गैलरी से सिलेक्ट करके जो अपने आप जो भी पिक्चर है उसे जो सिलेक्ट करना था, जैसा कि मैं अपने जो अपने एक तस्वीर को जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट कर लिया है। एंड जस्ट 2 या 3 सेकंड का जो प्रोसेसिंग हुआ उसके बाद जो है यहाँ पे आपको फाइनल जो आउटपुट है वो देखने को मिल जाएगा। एंड यहीं इस ऐप में जो आपको बहुत सारा बैकग्राउंड जो है देखने को मिल जाएंगे, तो आप जो उसे भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर जो आप अपना कस्टम जो बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो कस्टम बैकग्राउंड भी जो लगा सकते हो। अपने फोटो को जो है बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कुछ भी जो है साइड में कहीं पर भी जो प्लेस कर सकते हो। एंड बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको सिंपली जो है कस्टम बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, देन आपको जो है गैलरी पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप जो है गैलरी से कोई भी एक बैकग्राउंड जो चूज़ करके यहाँ पे सेट कर सकते हो। सो मैंने जो है गैलरी से एक फोटो जो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, देन आप जो है ओके करने के बाद जो यहाँ पे सेव कर सकते हो। एंड सेव करने के बाद जो मैं आपको यह पिक्चर जो है दिखाता हूँ देखने में कितना जो है कूल लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लिस्ट नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर। तो लिस्ट का हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है क्रॉस एयर हीरो FPS। सो ये ऐप जो है पबजी वाले उन बंदों के लिए जो कि अपना निशाना जो सटीक नहीं लगा पाते एंड इसी वजह से जो है उन्हें चिकन डिनर भी जो नसीब नहीं होता, इस ऐप का यूज करके जो आप एम का एक ओवरले जो सेट कर सकते हैं अपने फोन में, जो कि गेम के दौरान जो आपकी काफी हेल्प करेगा सटीक निशाना बैठाने में। एंड इस एम का जो डिजाइन है, स्टाइल है, कलर है, सभी कुछ जो कस्टमाइज कर सकते हो। देन स्टार्ट पर जो क्लिक कर देना है, देन आप जो पबजी को ओपन करोगे, पबजी की आप किसी भी जो है FPS या फिर जो शूटिंग गेम को ओपन करोगे, तो जैसा कि आप देख सकते हो फिलहाल स्क्रीन पर जो एक ओवरले जो है मिडिल में सेट हो गया है, जो आपका जो है काफी ज्यादा हेल्प करेगा एम करके शूट करने में। एंड आप जो है जरूर से जो पबजी में चिकन डिनर तो पा ही लोगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर। तो लिस्ट का हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स। सो इस एप्लीकेशन का यूज करके जो है आप अपने फैमिली में से कोई रिश्तेदार या फिर जो फ्रेंड्स किसी को भी जो एक रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो अपना लोकेशन जो है आपसे शेयर करें। एंड ये ऐप जो है गूगल द्वारा पावर्ड है। एंड इस ऐप की सबसे बेस्ट बात यह है कि जब भी कभी जो आप रिक्वेस्ट करोगे किसी बंदे को कि वो अपना लोकेशन जो आपके साथ शेयर करे, तो अगर सामने वाला बंदा जो है 5 मिनट तक जो है कोई भी जवाब नहीं देता तो ऑटोमेटिक जो है रिडायरेक्ट हो जाएगा उसका लोकेशन आपके फ़ोन पे। सो ये जो इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। एंड लोकेशन शेयर करने के साथ साथ जो है आप उनसे डायरेक्ट जो है चैट भी कर सकते हो। तो इस ऐप को जो है दोनों फोन्स में जो है इंस्टॉल करना है, देन ऐप को ओपन करते जो है आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स को जो है ऐड कर लेना है, देन आप जो उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हो अपना लोकेशन शेयर करने के लिए, या फिर आप अपना खुद का लोकेशन भी जो उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो जैसे ही जो आप उनसे जो है लोकेशन के लिए रिक्वेस्ट करोगे एंड जैसे ही जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपके पास जो उनका जो लोकेशन है वो डायरेक्ट जो है यहाँ पे शो हो जाएगा, जिसे आप गूगल मैप्स पे रिडायरेक्ट करके भी जो देख सकते हो। तो ये काफी जो है सही एप्लीकेशन है। अगर आप पेरेंट्स हो तो आप जो अपने बच्चों पर जो है निगरानी रख सकते हो एंड आप आसानी से जो है जान सकते हो कि वो कहाँ जा रहे हैं एंड अभी जो है फिलहाल कहाँ पे है। सो चलिए अगर बढ़ते हैं लिस्ट के नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर। तो लिस्ट का हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है ऐप ब्राउजर। सो इस एक एप्लीकेशन में आपको सोशल, शॉपिंग, फूड, ट्रैवलिंग, मूवीज जैसे जितने भी जो एप्लीकेशन होते हैं अलग अलग, जो कि आप अपने फोन में जो सेपरेटली डाउनलोड करके या फिर जो इंस्टॉल करके रखते हो, वो सभी एप्लीकेशन के जो एक शॉर्टकट जो आपको इसी एक ऐप में मिल जाएगा। जैसे सोशल में क्लिक करते हो जो आपको यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी कुछ मिल जाएगा। शॉपिंग पे टाइप करते हो जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बैंकूट जैसे जो सभी एप्लीकेशन जिन्हें आप जो है सेपरेटली इंस्टॉल करके रखते हो, उन सभी के जो शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। फूड से रिलेटेड सभी एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स मिल जाएंगे।
हैं एंड मेनी मोर। तो किसी भी शॉर्टकट को ओपन करोगे तो उसका इंटरफेस जो है सेम वैसा ही रहेगा जैसा कि उसके ऑफिशियल ऐप में होता है। एंड आप इस एप्लीकेशन को जो एज अ ब्राउजर भी जो यूज कर सकते हो, बट ब्राउजर वाला जो फीचर है वो फिलहाल बीटा में है। सो चलिए आगे बढ़ते लिस्ट का नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर। तो लिस्ट का हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है व्हाट्स बॉक्स। तो जैसा कि नाम से ही जो पता चलता है कि व्हाट्सएप से रिलेटेड जो है कोई ऐप है। सो इस एक ऐप में जो आपको स्टेटस डाउनलोडर, प्राइवेट रीड, डायरेक्ट चैट लिंक, स्टेटस वीडियो स्प्लिटर, व्हाट्सएप स्माइली, टेक्स्ट स्टाइल, कैश क्लीनर, मैसेज स्नूजर, टेक्स्ट रिपीटर, व्हाट्सएप मीडिया बैकअप जैसे जो बहुत सारे मतलब बहुत सारे फीचर्स जो है आपको एक एप्लीकेशन में जो मिल जाएंगे। तो सभी फीचर्स के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो मैं कुछ मेन जो फीचर्स है जो कि फिलहाल बीटा में है मैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो हु व्यूड माई प्रोफाइल का फीचर है जिसका यूज़ कर जो पता से लगा सकते हो कि किस किस बंदे ने जो है आपका प्रोफाइल पिक्चर देखा है। एंड नेक्स्ट वाला फीचर है हु इज ऑनलाइन जिसका यूज़ कर जो पता लग सकते हो कौन कौन बंदा जो है फिलहाल व्हाट्सएप पे आपके ऑनलाइन है जिससे जो है आप चैट कर सकते हो। नेक्स्ट फन ग्रुप में जो आपको ऐसे बहुत सारे जो ग्रुप्स मिल जाएंगे जिन पर जो आप डायरेक्ट जो है चैट कर सकते हो, लिटरली जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं। उसके बाद आती है बारी ट्रेंडिंग की। तो ट्रेंडिंग में जो आपको व्हाट्सएप वीडियो स्टेटस, इमेज स्टेटस जो है बहुत सारे मिल जाएंगे जिसे आप जो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो एंड अपना जो स्टेटस खुद का जो है सेव कर सकते हो। देन नीचे टिप्स एंड ट्रिक्स जहां आपको जो व्हाट्सएप से रिलेटेड बहुत सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो मिल जाएंगे। सो लिटरली इस एक ऐप में जो आपको बहुत सारे जो फीचर्स मिल जाते हैं व्हाट्सएप के, तो जरूर से जो डाउनलोड कर लेना इस एप्लीकेशन को। तो चलिए आगे बढ़ते लिस्ट के हमारा नेक्स्ट बोनस एप्लीकेशन का जिसका नाम है लाइव वॉल। तो ये एक जो है लाइव वॉलपेपर एप्लीकेशन जिसके अंदर जो आपको काफी कमाल धमाल बवाल जो है लाइव वॉलपेपर जो देखने को मिल जाएंगे जैसा कि आप अभी इस वीडियो में जो देख रहे हैं। एंड इन सभी लाइव वॉलपेपर्स का जो एनिमेशन के स्पीड है उसे आप जो है स्लो या फिर जो है फास्ट भी कर सकते हो। एंड इन सभी लाइव वॉलपेपर्स को जो है अनलॉक करने के लिए जो कॉइन्स की जरूरत होती है। तो कॉइन्स को जो आप जस्ट एक ऐड देख करके जो है कमा सकते हो एंड लाइव वॉलपेपर जो है सेट कर सकते हो अपने फोन में। सो गाइस इतना ही था इस वीडियो को लिए। इस वीडियो का कोई पार्ट जो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर से एक लाइक कर देना इस वीडियो को एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल सभी जो मत भूलना। एंड अगर अभी तक जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, मेरे चैनल को जोर से सब्सक्राइब करो एंड बगल वाला घंटा जो उसे भी दबा दो क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस जो आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं। सो मैं मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।